30 के 40 बरस से यहीं पर रह रहे हैं, ये प्राइवेट लैंड है। चलो सर, हम भी ये चाहते हैं कि हमारा ये एरिया डेवलप हो। सुंदर नगर के इलाके में कलीना में प्रोग्रेसिव स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजंस डज नॉट रीच द सिटीजंस बिकॉज़ ऑफ दिस बिल्डर डेवलपर। या किसी को नदी दिख रही है क्या? इज देयर अ रिवर हियर? Welcome to the RKB show once again. Problem, the entire Kalina, majority of the 90% buildings were convinced nahi mila aur pure Mumbai ke haal mein 12 building hai, 12 building society mein sirf 6 log gaye hain aur 6 log kyun so gaye? I have paid my full money. Yes. The builder's responsibility is to give me everything. Yes. Why are you making me struggle for that? Itni sari reportein mangte bichare khud thak jate hain, phir baar baar khali builder ke paas jate hain. यानी कन्वेंस इज इक्वल टू द कन्वीनियंस ऑफ द बिल्डर। एग्जैक्टली, यहाँ के लोगों को बांध कर रख दिया है जी। और बांध के भी लोग न तो जी पा रहे हैं न तो मर पा रहे हैं। आपके साथ अगर मोर्चा और धरना रूप देना पड़ेगा तो कृपा से की अगुवाई करें। Right, here we are again at the जोगेश्वरी स्टेशन। एक बार फिर हम लोग यहाँ पर हैं जोगेश्वरी स्टेशन पर। एक बार फिर हमारे साथ हैं राजेश शर्मा जी और ऑफ कोर्स प्रदीप नाम्बियार जी और दिनेश सिंह जी, सब लोग हमारे साथ हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी किस चीज़ के बारे में? प्राइस राइज के बारे में। अभी कीमतें बल्कि ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन अभी एक और मुसीबत सर पर आ गई राजेश जी। अब तो फेरी वालों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, क्या मतलब हुआ? इसके बावजूद कि कोर्ट ने कहा है एक्शन नहीं होना चाहिए, क्या मतलब हुआ इसका? नहीं, ये तो तानाशाही, जैसे मोदी की तानाशाही चल रही है केंद्र से लेके गली तक, वैसे अजय मेहता का तानाशाही है अब फैशन स्ट्रीट पे। अब ये जोगेश्वरी स्टेशन के भी ये 60 फेरी वाले, इनको बोलते हैं कि यहाँ पे हतरा, इनको भी हटा दिया है बिल्डर और किसके डिस्प्यूट में, यहाँ पे जहाँ खड़े यहाँ पे भी हटा दिया है। ये मतलब कोर्ट का ऑर्डर है, हम पिछली बार कहते अब नहीं है, वहाँ नहीं है। और कोर्ट का ऑर्डर ये कह रहा है, प्रदीप जी, कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है कि कार्रवाई रुकना चाहिए और कार्रवाई गैर कानूनी है और उसके बावजूद एक्शन चलते जा रहा है, उसके बावजूद एक्शन। तो इसके लिए हम तो निषेध करते हैं। और गवर्नमेंट जो है अंधाधुंध, मतलब अत्याचार जितना अनाचार कर सके उससे ज्यादा करे, उनके पास और कोई नहीं है। मतलब पहले सब इंडस्ट्रीस्ट से लेकर अब फेरी वालों को भी चुनने में, और जो फेरी वालों के पीछे बड़े बड़े डेवलपर है उनसे पैसा लेना और खाली कराने का सुपारी ले रहे हैं। ये परिस्थिति चल रही है जी। देखिए जरा जाकर के मार्केट का भी हाल क्या है। आप ये बताएं कि आखिरकार ये हुआ कब? जी आप लोग बताएं, आप लोग बताएं जो फेरी वाले थे यहाँ पे, उनमें से है कोई यहाँ पे? हाँ, आइए 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 आइए, क्या हुआ? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या हुआ आपको? अरे सर, इतने साल हो गया, 3 साल हो गया, ये फेरी बैठने नहीं देते। कोई दो पार्टी लगा देते थे ना जी, वो भी हटा देते, वो भी हटा देते। क्यों क्यों हटा देते? क्या मालूम, एक बोलते हैं बॉम्ब स्पॉट होएगा, वो यहाँ वो सबको, जो पब्लिक को तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है उस सब लगाने में। नहीं, क्रॉसिंग भी बंद है, मैं आपको बता दूं, यहाँ क्रॉसिंग भी बंद है जी, कोई इंडस्ट्री अभी तक नहीं। प्रदीप जी, ऑफिस में फोन आ रहा है सभी एरिया से कि जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, 1000 का इनका धंधा होता तो 5-5, 30-30 हजार फाइन मार रहा है, और उनको धंधा करने में यू कांट, आप अफोर्डेबल ही नहीं कर रहे हो। 1000 का आपका नफा है तो आप 5000, 10000, 15000, 30000 तक फाइन मारेंगे तो लोग धंधा कैसे करेंगे? दिस द एंटायर जो इक्विटेबल जस्टिस जो है ना, इज नॉट ऑल, आप फाइन ले लो मगर धंधा तो करने दो। दिनेश जी आप बताएं, मतलब ये तो सामान का नुकसान कर रहे हैं,
किसी भी तरीके से उठा के गाड़ी में डाल देते हैं, आदमियों पे फाइन हो रहा है। साहब जितना रेलवे स्टेशन है कहीं पे जी, लेकिन आप लोग ये बताएं, नहीं 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 आप ये आप लोग ये बताएं, एक मिनट आप लोग ये बताएं कि आपका सर्वे हो चुका है, सर्वे नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, बीएमसी की पावती है सबके पास। तीसरी पीढ़ी फेरी कर रही है, 50 साल से ज्यादा यहाँ लगाते थे, 30 साल हो गए, 30 साल 40 साल से हुआ है जो रजिस्ट्रेशन वो भी हमारे पास, फिलहाल में हुआ जो जी, फिलहाल में अभी 1 महीने 2 महीने पहले हुआ है वो भी हमारे पास से सब पूछे पावती। हमारे पिता धंधा करते थे तब से, हम लोग दादा करते थे, हमारे दादा हमारे करते थे तब से, यहाँ पर तीसरी पीढ़ी चल रही है। लेकिन आप लोग ये बताएं, क्या नाम है जी आपका? सुभाष गुप्ता। सुभाष गुप्ता जी, आप ये बताएं कि अभी जब नरेंद्र मोदी जी का चुनाव हुआ, लोकसभा के जब चुनाव हुए थे, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि आप लोग सरकार की तरफ से नौकरी की उम्मीद कम करें, अपना व्यवसाय ज्यादा करें, भारत को स्किल इंडिया बनाना है, ये कहा गया था, याद होगा आप सब लोगों को। तो ये तो आप अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं डाल रहे हैं, बड़े शांति से काम कर रहे हैं, अपना टैक्स भी दे रहे हैं, तो अगर आपके सामने नरेंद्र मोदी जी अभी खड़े हो तो उनको आप क्या अपील करेंगे ये बताएं? ये अपील का हमें अंदा लगा दीजिए, हमें भी जीने दीजिए, अपना बिजनेस करने दीजिए, हमारी रोजी रोटी है, बच्चे हमारे पीछे, हमारे घर में फैमिली है, माता पिता बीमार है, कहाँ जाएं, कहाँ दवा कराएंगे हम? राजेश जी, ये क्या मतलब हुआ? ये बहुत अत्याचार चल रहा है, ये 3 पीढ़ी से यहाँ पे धंधा कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मुंबई में अजय मेहता ने तानाशाही चालू कर दिया, महानगर पालिका ने तानाशाही कर दिया, महानगर पालिका के नाते पुलिस तानाशाही पे उतारू है, हर आदमी को उजाड़ने का काम। जबकि मुंबई शहर और इंडिया के पार्लियामेंट में पास हुआ है कि हर शहर का 2.5% हॉकिंग अलाउड है, परमिसिबल है, और जैसे फैसल स्ट्रीट का आपने बताया वहां पे 764 में 7 उल्टा और 64 जिनको अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन अकोमोडेट करने में जो साथ है उनको ही अत्याचार और परेशान। लेकिन वो वहां तो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, यहाँ पे भी हाईकोर्ट का ऑर्डर ही नहीं है। दूसरी चीज, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये भी बता दें, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि जहां तक हॉकर्स का प्रश्न है, जब तक के सारे हॉकिंग जोन नहीं बन जाते तब तक आप कार्रवाई नहीं कर सकते। This is sad. बिल्कुल, और ये 2 दिन पहले जो मुंबई हाईकोर्ट ने भी निर्णय दिया है जी, वो भी निर्णय यही है कि आप लीगल एक्शन थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यस, तो ये क्या ड्यू प्रोसेस, आके डंडा मारना, उठा के फेंकना, दंड मारना, ये कौन सा ड्यू प्रोसेस? जिस प्रकार से हॉकर्स बोल रहे थे राजेश जी, ये बहुत, जिस प्रकार से हॉकर्स के कॉलर पकड़ गए, पैंट के बेल्ट पकड़ के खींच रहा है, दिस इज नॉट ह्यूमैनिटेरियन, ये टोटल ह्यूमन। यहाँ पर भी ऐसा हुआ है क्या? यहाँ पर भी ऐसा हुआ है क्या? बताओ, हफ्ते में 1-2 आदमी जरूर मारते हैं, मेरे सामने पुलिस वाले थप्पड़ मारते हैं। हमारा रेलवे का पगार बढ़ता नहीं, 200 रुपए में 8 घंटा करना पड़ता है। जी जी जी, रेलवे का जरा कार्यचरण करो जी, उसके बारे में भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक के हॉकर्स का प्रश्न है, दिस इज टेरेबल, पीपल आउट टू डू एज अपना खुद का बिजनेस वेंचर, अपना छोटे से छोटे, जैसे पीएम हिमसेल्फ आपने कहा कि इस पूरे देश देखा कि छोटे से छोटे चीज आप करो, खुद करो, मैं आपको एनकरेज करूं। हमारे दर्शकों को याद होगा इसके वेट, इसके बाद हम फिर दोबारा वही प्रोग्राम दिखाएंगे हम आपको जो राजेश शर्मा जी के साथ हम लोगों ने पहले किया था, आपको याद होगा, दिस एंटायर लाइन वाज फुल ऑफ हॉकर्स, दिस एंटायर थिंग हैज बीन मूव्ड। यस जी जी, व्हिच इज टेरिबल। We'll be right back.
स्टेशन से लेके गुफे रोड तक सब हॉकर सर बैठते हैं जी। तो तीन साल से हम लोग का धंधा बंद है जी। तो बोलते आप इधर लगाने का नहीं, तो हम लोग ने क्यों लगाने का नहीं जी। आज मेरी दादी छोटी से बड़े हो गए, बुढ़े हो गए, पिताजी भी बड़े हो गए बुढ़े हो गए, अभी हम भी धंधा करने लगे जी। तो सर मेरे दादी के पास 1969 का पावती है, बीएमसी ने फाइन मारा का। हाँ, 1969, मेरे पास भी पावती है, मेरे पिताजी के पास भी। तो हमको धंधा क्यों नहीं लगाने जा रहा है? Which is sad. ब्राइब देने को भी तैयार है मगर ब्राइब इतना मांगने लगा है सर, इसमें कॉम्पिटिशन फ्री कंट्री डेमोक्रेटिक। इसके पहले हम लोग और कोई और बात करें, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सब लोग बताएं, क्या जो हॉकर है, जो फेरी वाला है, वो भारत का नागरिक नहीं है? वो इंडियन सिटीजन नहीं है? भारत का नागरिक नहीं है क्या वो? अरे भाई आप भारत के नागरिक हो ना? अरे सबके पास वोटर आईडी कार्ड है? अरे लोगों के पास पासपोर्ट है? अरे हिंदुस्तान का पासपोर्ट है, पाकिस्तान का तो नहीं है ना? अमेरिका का पासपोर्ट है क्या? तो फिर हिंदुस्तान का कानून इन पर क्यों नहीं लगता? इनका कानून इसके लिए नहीं लग रहा है कि इनसे उनको जो है कुछ फायदा नहीं है, और बिल्डर से लाखों रुपया भ्रष्टाचार के तौर पे मिल रहा है, और उस भ्रष्टाचार के कारण इनको यहाँ से उठा के फेंक देना जिससे उनका मॉल वॉल कल खुल आए, ये मेन टारगेट जो इनका है यहाँ पे, अजय मेहता का नाम यूज करना, बॉम्ब ब्लास्ट का नाम यूज करना, और ये करके इनको बेघर करना, बर्बाद करना, ये मेन उद्देश्य है, और इसके लिए दे आर सफरिंग, और इनके ऊपर तो एट्रोसिटी जैसा मतलब डंडे जैसे मारते हैं। प्रदीप जी मुझे याद है, अभी तक दिनेश जी आप भी जरा सुन लें, मुझे अभी तक याद है कि जब मुंबई पुलिस जो थी उसकी तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती थी, वो 60 का दशक था, 70 का दशक था, 80 का दशक था, तब जितने हॉकर्स थे, फेरी वाले थे, सब पुलिस के खबरी हुआ करते थे, सबसे सारी इंफॉर्मेशन उन्हीं से आती थी, और उसके बाद जब आपने सारे हॉकर्स को हटाना शुरू कर दिया, बंद करना शुरू कर दिया, उसके बाद 26/11 हुआ। एग्जैक्टली सर, क्योंकि आपके पास सूचना ही नहीं आ रही। वर्स्ट काइंड जहां जैसे आपने कहा कि ये फेरी वाले कैन बी अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दे कैन गिव ट्रेमेंडस इंफॉर्मेशन, एक खबरी का एक प्रकार से नेटवर्क तैयार हो जाता है उनको, हर चीज ना कमर्शियल, व्हाट इज द कमर्शियल एंगल नाउ यू सेइंग अबाउट फैशन, इज बोलते यहां के बिल्डर, मगर हर एरिया के मुंबई में जहां हमको फोन आ रहा है सर, यही है कि हमको पेनलाइज किया जा रहा है और फाइन इतने मारा कि हम धंधा नहीं करे, उठा उठा के 3-4 घंटा पुलिस स्टेशन में बिठा देते और मारते हैं उसके ऊपर। यहाँ पे लेके जाया जाता है उनको पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे आके पीटते हैं, और यहाँ पे एक अलग से माहौल बनाया गया है कि यहाँ पे टेररिस्ट घुसने वाले हैं, यहाँ पे दंगा फसाद होने वाला है, और उसके नाम पर यहाँ पर पूरा बाउंड्री लगाया गया है, और फेरी वालों पे जो गरीब है जिनका पेट उन पर चलता है, और उनके ऊपर जुल्म हो रहा है यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जी 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 मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां तक फेरी वालों का प्रश्न है, फेरी वाले किसी को जबरदस्ती तो अपना माल नहीं बेच रहे, लोग खरीदते हैं इसलिए फेरी वाले हैं, सिंपल बात है, यानी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, मतलब इनके पास खरीदते हैं कि ताजा मिलता है और सस्ता मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब रेलवे पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, एक घंटे तक रेलवे पुलिस नहीं थी, यही हॉकर्स थे, सबको हाथ उठा उठा याद है। राजेश जी मैंने देखा था, आपको हम भी यही थे, सबको पब्लिक को हेल्प करने वाले, लेडीज को हेल्प करने वाले यही फेरी वाले थे, क्योंकि यही मार्केट के है, यही मार्केट का बेस है ये लोग।
दिस इज टेरिबल यार, दिस इज एब्सोल्युटली टेरिबल। आई डोंट अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, द गवर्नमेंट्स आइडियोलॉजीज आर समथिंग दैट इज डिफरेंट एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट इज टोटली डिफरेंट। व्हाट दे आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट इज टोटली डिफरेंट। गवर्नमेंट इज सेइंग वी आर विद पुअर, हम पुअर के साथ हैं। और लेकिन यहां पर राजेश शर्मा जी, सब लोग मैं जो जो साथ जो प्रदीप जी अभी बोल रहे हैं, जो दिनेश जी ने अभी बताया, मैं आप सबके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि फैशन स्ट्रीट की जो हॉकर्स एसोसिएशन है, वहां के लोगों ने बताया कि भाई वो लोग गए थे मिलने के लिए आदरणीय देवेंद्र फडणवीस को, देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने के लिए, उनके साथ आदरणीय नसीम खान जी वो भी साथ में गए थे, संजय निरुपम जी को शायद दिल्ली जाना पड़ गया था, नसीम खान जी सामने गए थे। और देवेंद्र फडणवीस जी को जब ये ब्रीफ किया गया तो देवेंद्र फडणवीस जी ने गुस्से में अजय मेहता जी को फोन लगाया, अजय मेहता जी फोन पर उस वक्त उपलब्ध नहीं थे, और देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद ने आश्वासन दिया कि जहां तक मेरा सवाल है मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रोजी रोटी कोई नहीं छीनेगा। अब आप यह बताएं, आप इनके साथ कब जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के पास, आप बताएं। नहीं, देवेंद्र फडणवीस अभी यहां के हमारे लीडर हैं गुरदास कामत जी, उनसे बातचीत करके गुरदास कामत जी के नेतृत्व में जो भी आगे की प्रक्रिया यहाँ की होगी, क्योंकि यहाँ के सब माई बाप या जो भी यार रात दिन काम वही गुरदास कामत जी करते हैं और उनके ऑफिस से होता है, तो निश्चित तौर पे बात करके फडणवीस जी मिलेंगे और न्याय लेने की प्रक्रिया करेंगे। ना करना पड़ेगा सर, आई टेल यू मुंबई विदाउट हॉकर्स इज इम्पॉसिबल, फेरी वाले बिकॉज देयर इज नो सिटी, देयर इज नो सिटी इन द वर्ल्ड, देयर इज नो सिटी इन द वर्ल्ड विदाउट हॉकर्स, हाउ कैन यू ड्राइव अवे हॉकर्स जिस प्रकार से। अरे भाई दैट इज इम्पॉसिबल। प्रदीप जी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है, आप सबका सिक्योरिटी चेक करा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन इस प्रकार किसी के साथ अन्याय करना, अत्याचार करना, उसको ऐसे ट्रीट करना जैसे वो भारत का नागरिक ही ना हो, ये क्या मतलब हुआ? सर, राइट टू हैव अ प्रॉपर लाइवलीहुड ये सरकार का परम कर्तव्य है। आप नौकरी दे नहीं सकते, लोग अपने आप कुछ करना चाहते हो उसको आप रोक। भाई आप ये बताएं, आप ये बताएं 3 साल से आपका धंधा बंद है, ठीक है, आपको हटा दिया यहाँ से, ठीक है। जब भी किसी का व्यवसाय बंद होता है, जब किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की लैंड एक्वायर होती है, जब उसकी फैक्ट्री बंद होती है, तो उसके एवज में कुछ आपको उसको दिया जाता है, आपको दिया गया कुछ? कुछ भी नहीं, बल्कि हमारे से लिया गया 1210 आपको फाइन लिया। मतलब एक तो उनका व्यवसाय बंद कर दिया गया और उसके बाद फाइन डाला गया, अभी भी चालू है सर, फाइन पे फाइन मारते जा रहे हैं, फाइन पे फाइन मारते जा रहे हैं। दिन का एक कोटा है उनका कि 8 जन को 10 जन को लोग फाइन मारते ही हैं, वहाँ पे दिखाते हैं कि हम लोग 8-10 जन को यहाँ पे फाइन मारे। शर्मा जी ये तो बड़ी नहीं, ये तो बहुत अत्याचार और इसका तो विरोध पूरी ताकत से हम लोग करेंगे, पूरी ताकत से क्या करेंगे, एक इंसान है वो बेचारे लोग वोट क्यों, पूरी ताकत से हम इसका विरोध करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये टोटल अत्याचार जो है, मतलब एट्रोसिटी टाइम, इनके ऊपर तो एट्रोसिटी का केस रजिस्टर होना चाहिए कि मानवता का हनन कर रहे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्वयं रोजगार, और स्वयं रोजगार के माध्यम से ही देश ज्यादा चल रहा है, सरकारी नौकरी और ये सब तो 1% भी नहीं है, मैक्सिमम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, और उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो अपने दम पे करते हैं उनकी ये हालत है, उनका जहां तक मतलब पाकिस्तानी बांग्लादेशी जैसा उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं, मारना उजाड़ना फेंकना यही कर रहे हैं। अरे भाई जहां तक सरकारी नौकरियों का प्रश्न है, चीज आप करो और छोटे छोटे उद्योग को मैं प्रमोट करूंगा, दिस इज व्हाट ही सेज एंड व्हाट हिज पीपल आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट इज टोटली एग्जैक्टली द ऑपोजिट प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं छोटे लोग, मैं कुछ चाय वाला था, मैं कुछ चाय बेचा करता था, तो आज अगर उठा के अभी तक चाय वाले को उजाड़ रहे हैं कई चाय वालों को उजाड़ रहे हैं। यस, यही चाय वाले हैं तो इस गरीबों को क्यों नहीं सुनते वो लोग? ये गरीब जो जिसकी फैमिली है घर से बेघर हो रहे, लोग धंधे के लिए एक एक पैसे के लिए जुटते हैं, उनका कुछ हो नहीं रहा है। तो आज जिस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक चाय वाला हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ, छोटे से छोटे काम करो, जैसे राजेश जी बोल रहा है कि आज गली गली में हर सड़क में उसी चाय वाले को उखाड़ उखाड़ कर पुलिस पीट रहा है, उखाड़ उखाड़ कर बीएमसी का कमिश्नर पकड़ के अंदर डाल रहा है, और टोटलिटी जिस प्रकार से ह्यूमन राइट वायोलेशन, किसी गरीब जो काम करता है उसका कॉलर पकड़ गए, पैंट का बकल पकड़ गए, उनको घसीटता हुआ आप लेके जाओगे पुलिस स्टेशन में, फाइन मारोगे बिना मतलब, एंड डिस्प्रोपोर्शनेट फाइन, जिस प्रकार से फाइन, आप धंधा क्या कर रहे हो उसका कितना गुना फाइन मारोगे आप?
जो आदमी 1000 का धंधा करता है उसको 30,000 का फाइन मारोगे, दिस इज डिसप्रोपोर्शनेट, दिस इज नॉट ये बीएमसी मार्केट है जी। यहाँ पे भी पुलिस तकलीफ देती है लोगों को जी, अंदर भी तकलीफ देती है जी। ये स्मार्ट सिटी का असर हो रहा है, स्मार्ट सिटी जो चाहिए ना उसमें। लेकिन राजेश शर्मा जी आप ये बताएं, आप ये बताएं राजेश शर्मा जी, जितने लोग हैं यहाँ पे, सब लोग अपना व्यवसाय करने वाले हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी सरकार पे बोझ नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई भी सरकार के ऊपर, सरकार के पास जाकर के ये नहीं कह रहा कि भाई हमारी मदद करो, हम मर गए, हमें नौकरी दो, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई हमें अपना धंधा अपने आप करने दीजिए, बिल्कुल हमारा व्यवसाय चल रहा है, हम लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें जीने दीजिए, वो भी जीने नहीं दे रहे, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है ये बताएं। मंशा उनकी जो मैंने बोला ओवर करप्शन है, क्योंकि डेवलपर लोग के थ्रू सब प्लॉट के सामने फेरी वालों को हटा दो, उनके बड़े बड़े मॉल शोरूम आ जाए, उनकी प्रॉपर्टी के भाव बढ़ जाए, और इनके गरीबों का उनको कुछ पड़ी नहीं, उनको कहना है कि आज यहाँ पे बेचते कल कहीं पे जाके बेचेंगे, कहीं और जाके बेचेंगे हाँ, और किसी को क्या मालूम कि कहीं और जाके ही बेचेंगे। अगर असल में जो ये लोग चीज प्रिवेंट करना चाहते हैं, अगर आगे जा करके इनमें से कोई, मैं ये नहीं बोल रहा इनमें से कोई करेगा, आगे जा करके आपने किसी आदमी को इतना ज्यादा उस पर अत्याचार किया, आखिर में उसने अगर बंदूक उठा ली तो फिर क्या करोगे? ये होता ही है, लॉ एंड ऑर्डर टूटेगा। देखिए जब आप अत्याचार करेंगे तो अत्याचार का अंत कैसे होता है, लॉ एंड ऑर्डर लोग हाथ में ले लेंगे, फिर कोई कंट्रोल भी नहीं रहेगा, सोसाइटी के लिए हानिकारक है, हमारे लिए आपके लिए, ये पेट पे मारेंगे तो फिर वो तो करेगा। यहाँ पे अस्सानी का आमदार और नगर सेवक ये सबको मालूम है, यहाँ पे उनकी प्लानिंग है कि यहाँ पे बिल्डर को लाया जाए जी और डेवलप किया जाए, उससे भारी पैसा उनसे वसूली किया जाए। बट सर सब जगह यू कैन से यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ बिल्डर्स हियर, बट व्हाट अबाउट फैशन स्ट्रीट, व्हाट अबाउट प्रॉब्लम ऑफ बिल्डर्स देयर, व्हाट अबाउट सैंटा क्रूज, व्हाट अबाउट, नो प्रॉब्लम ऑफ बिल्डर्स, अलग जगह पे पूरे जो अफेक्टेड पार्टी गरीब से गरीब। व्हाई इज मिस्टर अजय मेहता एंटी हॉकर, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू नो, व्हाई मिस्टर अजय मेहता एंड व्हाई इज ही नॉट मीटिंग अस, मिस्टर अजय मेहता अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज मीट अस। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, एक बार नहीं 10 बार आपसे पूछा गया है, हम आपसे कब मिलने आ सकते हैं, आपका इंटरव्यू हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम आपको यहाँ पर घुमाएं, आप सबके सामने आपको बिठाएं, सब लोगों को फेस कीजिए ना, आप सब लोगों को बताइए कि वो क्या गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्या गलत काम कर रहे हैं, क्या यहाँ पे चरस गांजा कोकेन हेरोइन बेची जा रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, जानना चाह रहे हैं ना आपसे। खाद्य पदार्थ, सब्जी, फल ये ही बेचते यहाँ पे। नहीं, फल फल के अंदर कोकेन है क्या? नहीं, पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, इसमें मैंने आपको बताया ना, फल फ्रूट बेचे जाते हैं सस्ते में, बेचे जाते हैं जी, उनका क्या जी, पुलिस नहीं पकड़ रही, हम गरीबों को पुलिस पकड़ रही है, क्योंकि तुम असल में फल बेच रहे हो, इसलिए वो तो खुद पुलिस वाले बेच रहे हैं बेच रहे सर। अगर यही मियाओ मियाओ जो ड्रग बेचता था, मियाओ ड्रग, वो तो पुलिस वाले खुद बेच रहे थे, और पुलिस मिली भगत से ड्रग्स बेचने के आ गए, रिकॉर्ड पे आ गए। वो आपका पार्टनर है जो इलीगल काम करते हैं, वो आपका पार्टनर है जो लीगल गरीब नजर में धंधा कर रहा है, वो आपके दुश्मन है। उठा उठा के पूरे मुंबई सर, पूरे देश विदेश में, बैंकॉक में आपको फ्लोटिंग मार्केट्स है, हॉकर जोन्स है, हर देश में, जो भी देश में, यू डोंट हैव एन एग्जांपल, हर शहर की जरूरत है, एवरीबॉडी एवरीवेयर देयर इज अ। लेकिन राजेश शर्मा जी, पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था, इस बार भी आपसे बोल रहा हूँ, मैं एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ। राजेश शर्मा जी, आप आगे आते हैं, सामने आते हैं, बाकी नेता कहाँ हैं? मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, कांग्रेस का नेता आगे नहीं आता, फैशन स्ट्रीट में भी अब मैं नाम नहीं लेना चाहता। किस किस को हम लोगों ने आमंत्रित किया कि भैया आइए चलिए हमारे साथ
कोई नहीं आ रहा है, क्या आखिर में राहुल गांधी को जाना पड़ेगा? मुझे लगता है राहुल गांधी को जाना पड़ेगा यहाँ पे। मैं आपसे राहुल जी ऐसा कुछ भी, राहुल जी आएंगे उसमें कोई शक नहीं। राहुल जी जहाँ जहाँ पे देश के अंदर अड़चन हो रही है, चाहे कोहली समाज, हर जगह राहुल जी अड़चन रहे हैं। नहीं, यहाँ पे भी राहुल जी जरूर उस पे ध्यान लेंगे। बाकी कहाँ है? मुंबई के कांग्रेस के सभी नेता संजय निरुपम जी लगे हुए हैं, कोर्ट के अंदर गए और किसे क्या। गुरदास कामत जी समय से जहाँ रहता वहाँ भीड़ रहे। नसीम भाई, अरे एक मिनट, गुरदास कामत जी ने तो साफ तौर पे कह दिया कि संजय निरुपम जी को ऐसे बयान देने से आपको संकोच करना चाहिए। नहीं, मारा मारी के लिए बोला था, मारा फेरी वालों के ऊपर हमेशा जोगेश्वरी या मुंबई शहर। गुरदास कामत जी ने न्याय दिया और नेतृत्व किया है। आज जोगेश्वरी वेस्ट में देखिए, जो अंधेरी वेस्ट, कामत साहब के नाते ही लगा हुआ है। फेरी वाल के फेवर में उन्होंने डीसीपी से बात किया। अगेन let me clarify Mr. Gurudas Kamat is a very dear friend. All right, but I still want to know, why is Mr. Kamat not here? That's what I really want to know. Why are they not leading an agitation right now? Kya? Kya? No, sir, as you saying, as Bajaj sahab ne jo pucha, Bajaj sahab ne suno, Raja ji, Bajaj sahab ne, no, Bajaj sahab ne pucha, Gurudas Kamat, feri walo ke netrutva kabhi karenge, Raja ji, wagaira, sab ke kandhe mein. Aap bataiye. हमारे मेले लड़े हुए डेट डेट दीजिए डेट फेरी वालों का बहुत बड़ा इशू है इसका तार पॉलिटिकल इशू नो आज आज 31 अगस्त है सैटरडे संडे कामत साहब अपने ऑफिस में बैठ के लोगों का काम कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं जहां फेरी वाले की बात आती है उन्होंने डीसीपी से एडिशनल से यहां के वरिष्ठ निरीक्षक सबसे बात किया ऐसा नहीं है लेकिन वो यहां पे मुद्दा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट उनकी है एमएलए एमपी नगर सेवक कॉर्पोरेटर उनका ऐसा नहीं कि आप राइट वी हर्ड इट वो लग तकलीफ ठीक है आप एक मिनट आपने बोल लिया हाँ सर अब एक सवाल पूछना जा रहा हूं मैं राजेश शर्मा जी से और आप सब लोगों से। गुरदास कामत जी बड़े अच्छे नेता हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने पहले भी। फेरी वालों के नेतृत्व के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके कौन सी तारीख को गुरदास कामत जी यहां पर आ रहे हैं जोगेश्वरी स्टेशन पे? तो समय लेना पड़ेगा, बात करेंगे, समय लेंगे, आज भी सर बात करेंगे और समय लेंगे। जस्ट बगल में फ्लाईओवर कामत साहब की देन है, अभी बन के रेडी है, लेकिन बीजेपी सेना के झगड़े में ओ फ्लाईओवर पब्लिक के लिए अभी भी उद्घाटन नहीं हो रहा। नाम के मुद्दे पे रुका हुआ है। बट सर, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, ये एक सोशल इशू है, लोगों के पेट का सवाल है, लोगों के पेट का सवाल है। आपने हमने इसमें विरोध नहीं कर रहे इसमें। बट हैंग ऑन अ मिनट, बट वेट अ मिनट, दिस इज नॉट अ कांग्रेस इशू, दिस इज नॉट अ कांग्रेस, दिस इज एन इशू ऑफ वेदर और नॉट हॉकर्स आर सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री। क्या फेरी वाले हिंदुस्तान के नागरिक है कि नहीं? yes. मैं जानना चाह रहा हूँ। 40 साल से बताइए राजेश शर्मा जी, आप बताइए ऐसा नहीं है कि पहले भी फेरी वालों के खिलाफ इस प्रकार का दर्दनाक एक्शन नहीं हुआ? हुआ है, उसके बाद कांग्रेस के लोग सामने आए, उन्होंने रोका। आप मुझे बताइए, आज की तारीख में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को भी आगे आना चाहिए, उनके भी तो लोग हैं ये। नहीं, वो कैसे आएंगे? उनका बड़े नेता फडणवीस से लेकर मोदी से लेकर फडणवीस से लेकर गली तक जो उनके लोग हैं, डेवलपर से पैसा और उस सबके चक्कर में पड़े हैं और सब डेवलपर वही है, तो फेरी वालों को उनको प्रायोरिटी नहीं, उनका फेरी वालों को उजाड़ो और डेवलपर को प्रोटेक्ट करो, यही चल रहा है उनका। कभी मुंबई के इतिहास में था जिस प्रकार से फेरी वालों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है? इट हैज नेवर हैपेंड, इट हैज नेवर हैपेंड, एंड दिस इज अ मैटर फॉर कंसर्न, इट इज नॉट पॉलिटिसाइजिंग द इशू, बट गरीब लोग के पेट का सवाल है।
आम एक गरीब लोग का पेट का सवाल है, द स्टेट कैन नॉट बी इनसेंसिटिव। आपने बहुत, जब कांग्रेस के साथ है, आप बीजेपी वाले ने बहुत चलाते थे कि स्टेट इज इनसेंसिटिव, स्टेट सुनता नहीं है, स्टेट से सेंसिटिव ही नहीं है, तो आज it is a matter of concern, why is the state insensitive and why is the BJP not coming out? Yes. That's whatever. No, but wait a minute, I would like to ask the BJP representative from here, yes, the Shiv Sena representative from here, you should be joining the hawkers. आपको hawkers के साथ खड़े होना चाहिए, उनका नेतृत्व करना चाहिए, अपने मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये बंद करवाइए। मिस्टर वाइकर का स्टेटमेंट था, एक मिनट राजेश, मिस्टर वाइकर का स्टेटमेंट था, जब फेरी वालों को बंद कराया तो बोला मैंने कचरा 30 साल का साफ कर दिया। 30 साल का कचरा साफ कर दिया, मतलब hawkers उनके लिए कचरा है, तो कचरा उनका वर्ड था। दिनेश सिंह जी ये क्या वक्तव्य है, बहुत ही ये बदतमीजी भरा वक्तव्य है, बदतमीजी भरा जी। ये क्या मतलब हुआ, क्या देश के नागरिक नहीं है, इन सब लोगों का हक नहीं है अपनी रोजी रोटी कमाना? जी चलिए, आपके पास बार बार फोन आ रहे लोगों का कि ये चैनल एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये चैनल सरकार के खिलाफ है, मगर जैसे अनियन प्राइसेस, राजेश जी आपको याद होगा, बजाज साहब आपने चिल्ला हर साल अनियन की तकलीफ, सरकार लोग ने दे टर्न द वोट ऑन द गवर्नमेंट एंड बॉट अ न्यू गवर्नमेंट, इसलिए कि आप एक्शन लो। ये सरकार में वही हो रहा है कि अनियन प्राइसेस डबल ट्रिपल होने के बाद उसके बाद आप एक्शन। आई टेल यू व्हाट, टेक प्रीएम्प्टिव टू एक्शन। प्रदीप जी मुझे यहाँ पे अनियन दिख नहीं रहे, कांदा मुझे यहाँ मुझे कांदा यहाँ पे दिख नहीं रहा। अरे भाई सब ठीक है, सब ठीक है, कैसे दिए ये भिंडी, भिंडी कैसे दिए, भिंडी जो है तुम्हारे सामने कैसे दिया है, जोर से बोलो जरा, जोर से, प्राइस बताओ। 30 रुपए किलो, आप जरा किसे हटेंगे भैया, मुझे जरा देखने दीजिए। और ये जो है फ्रांस बीन जो है कैसे दिए है, 40 रुपए किलो। और ये जो है शिमला मिर्च 30 रुपए किलो। और ये गोभी 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। चलिए, और ये वाली गोभी कितने की है, 30 रुपए किलो। अच्छा, और मटर कैसा दिया है, बटाना कैसा दिया है, 40 रुपए पाव के किलो। चलिए अच्छा, अच्छी बात है। और वो बैंगन जो है, वो लंबे वाला बैंगन कितने का है, क्या बात है जनाब। और ये करेला, चलिए वेरी गुड, दैट मीन प्राइसेस हैव कम डाउन, हैव दे कम डाउन, कम हो गया बढ़ गए, कम हुए सर, कीमतें थोड़ी कम हुई है लगता है, हाँ भाव थोड़े कम हुए हैं, लेकिन कांदे का भाव अभी भी ज्यादा है, कांदे का भाव ज्यादा है, नहीं बाकी सब चीजों का भाव कम है। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं, अरे भाई इधर देख लेते हैं, सबसे बनेगी, हाँ कांदा ही है, कांदे ने कई बार देवी को पांच प्रधानमंत्रियों को कांदे की मार सहनी पड़ी है। अरे भाई ये कैसे दिया है, कांदे पे सरकार हिल गई, और वो वाला जो है वो कितने का है, खरीदे, अरे क्या भाव है इसका, आप कितने में खरीद रहे हैं बताइए, 70 रुपए, 70 रुपीज, देखिए 50 रुपए में, हाँ ये तो खराब वाला है ना, गंदे वाला है, कितने का, जोर से बोलो जोर से, एक मिनट जरा पीछे हटिए, आप जरा पीछे हट जाइए, 70 रुपए किलो है, 70, वाओ राजेश जी 70 रुपए किलो का कांदा, ये महंगाई, और वो भी अच्छी क्वालिटी वाला नहीं है, ये तो आपने 80, 85, 90। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जी, शिवसेना बीजेपी के जितने उत्सव होते हैं जी, सबका बेचारे गरीब लोगों की पावती फाड़ते हैं जी, इनसे पैसा लेते हैं, इनसे फ्री में सब ये सब ले जाएंगे भंडार, मतलब शोषण, और उसके बावजूद इनके ऊपर कार्रवाई मारने में भी कोई छूट नहीं,
But that is sad. What I'm really trying to say is that you want the economy to grow. Yes. मेरा ये कहना है कि अर्थव्यवस्था को आप चाहते हैं कि बढ़े, अर्थव्यवस्था को आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, हर एक को हर एक का लाभ हो, सबका साथ सबका विकास हो, और सबका साथ सबके विकास में आप इतना भी नहीं कर रहे कि जो आदमी अपना व्यवसाय कर रहा है, जो अपना काम कर रहा है, वो भी बेचारा अपना काम कर सके, उसको भी आप भगा रहे हैं मार मार के, इसका क्या मतलब हुआ सर? As you said, total governance includes कि पहले इस चीज को प्रॉब्लम को पहले समझे और दो तीन महीने पहले इसका इनिशिएटिव ले ले उसको सुधारने के लिए. टोटल गवर्नेंस इज अंडरस्टैंडिंग कि आने वाले दो महीने में यह प्रॉब्लम होने वाला है, बारिश नहीं गिरने वाला, वेदर. तो आपका काम है पहले प्रियम करके करना. चलो ये एक एक नींबू कितने का? दो रुपए. चलो ढाई रुपए से दो रुपए का हुआ, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस. चलिए ढाई रुपए से दो रुपए का हो गया, लेकिन नागपाड़ा में जो बड़ा वाला नींबू था वो छह रुपए का था. जी छह रुपए का. बट यहाँ पे सस्ता है. ताजा ताजा सब्जी जी तुम्हें टेम्पो से आती है. वंडरफुल. ये रास्ता डेवलपर को दिया गया है, इतना सस्ता है, डेवलपर को जी 16 टायर के अंदर ट्रक जाता है, टेम्पो जाता है, सब जाता है, अंदर मॉल का काम चालू है जी. मॉल के काम के चलते हम लोगों का ये हॉकर लोगों का अंदर भी तकलीफ दिया जाता है. ये मार्केट का रास्ता है ताकि रोड बने जी. हम लोग गाला होल्डर है, हमारे गाले की व्यवस्था देखिए जी. अब इसलिए रास्ते पे आके धंधा करना पड़ता है. बीएमसी बनाने भी नहीं दे रही है जी. बोल रही है यहाँ के आमदार और नगर सेवक बोल रहे हैं कि ये डेवलप कर रहे हैं. दोनों लड़ रहे हैं. कौन है आमदार? आमदार रविंद्र भाई कह रहे हैं. धमकी देते हैं बनाओ मत करके. दे आर हैविंग अ कैट फाइट कि वो बोलता है मैं डेवलप करूंगा, वो बोलती मैं डेवलप करूंगा. उसके अंदर आज हम लोग कॉर्पोरेटर का मोड है बीजेपी की. एक वहाँ कोने में दिखाइए ना, वो होटल किस प्रकार से आदमी जाएगी, पब्लिक जाएगी, कोने में. जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल. ऐसी व्यवस्था में लोग रहते हैं, इनके बच्चे इसमें रहते हैं, घर है उसमें, उन लोगों का दिस चेंज दैट. नाउ नाउ द पॉइंट इज राजेश शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, ये मैं नहीं कहूंगा कि दर्दनीय स्थिति है, मैं बिल्कुल दर्दनाक स्थिति है, बिल्कुल नहीं कहूंगा. मैं ये नहीं कहूंगा दुखद स्थिति है ये. जी नहीं, 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 यहाँ पे आदमी खड़ा नहीं. जी नहीं, वहाँ पे लोग. जी नहीं, इससे ये गुस्सा आने वाली स्थिति है. ये गुस्सा आने वाली स्थिति है, दर्दनाक स्थिति नहीं है. ये वो स्थिति नहीं है, ये देवदास वाली स्थिति नहीं है. सिंपल बात है. मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और देखिए जहाँ तक इस चैनल का सवाल है, हम लोगों का सवाल है, अथर्व टीवी यानी मेट्रो महाराष्ट्र टीवी का जहाँ तक प्रश्न है, हमने हमेशा आपको सच दिखाने की कोशिश की है. अगर पिछली बार नींबू ढाई रुपए का था तो आज दो रुपए का है, इसमें कोई दो राय नहीं है. अगर पिछली बार प्याज 50 रुपए का था तो आज यही प्याज 70 रुपए का है, और ए ग्रेड क्वालिटी का जो प्याज है वो 85 रुपए का है. उद्योग हो गई है और देश में इसको मान्यता दिया है कि ये हॉकर्स इंडस्ट्री को मान्यता दिया कि नहीं ये उद्योग है, और उसके बावजूद जो कि रीजनेबल रेट से आज मॉल में जाएंगे तो यही 20 रुपए की चीज 50 रुपए मिलेगी. 50 रुपए मिलेगी. 55 और सर्विस टैक्स लगा. और दूसरी चीज ये लोग टैक्स भी भरते हैं गवर्नमेंट को, मतलब अपना धंधा करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं, एक इकोनॉमी रन कर रहे स्वयं, और उसके बावजूद उनके साथ व्यवहार बांग्लादेशी पाकिस्तानी जैसे, जब होते डंडा मार देते, जब होते पावती, जब होता है उनका माल उठा के अपने भंडार, मतलब ओवर अत्याचार, इनसे वसूली भी करते हैं, प्रोग्राम आ गया, भंडारा हो गया, जबरदस्ती इनसे वसूली करते हैं, इनको तकलीफ भी देते हैं उल्टा. If the place is going for development, the status quo has to be maintained. Sir, may the...
इलेक्शन जब आता है मोदी जी बोलते हैं कि मैं चाय वाले घर से आपने स्टैंड ले लिया। एक मिनट, ये तो पॉलिटिकल बात हो गई, एक मिनट। ये आपने स्टैंड लिया जहाँ फैशन स्ट्रीट था, वहाँ भी आपका कहना था कि अंटिल अ न्यू प्लेस इज क्रिएटेड स्ट्रक्चर्ड और उनको शिफ्ट करेंगे तब तक स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा। नो, बट एज फार एज दिस प्लेस इज कंसर्न्ड, यू कैन नॉट, बिकॉज़ दे हैव टू रिमेन हियर। लेट्स बी वेरी क्लियर, बिकॉज़ जोगेश्वरी स्टेशन इज क्लोज बाय। स्टेशन से आदमी उतरता है अपने और या जाता है अपने घर की शॉपिंग करके सीधा ट्रेन में चढ़ता है। आप वो नगरपालिका ने लाइसेंस भी दिया हुआ है, जो भी अत्याचार लाइसेंस दिया हुआ है। बट सर एक चीज है, अगर लाइसेंस हो नहीं हो जी, अगर लाइसेंस हो नहीं हो, a person who has to conduct his business, yes, where the prime minister said it is a policy matter of the government, yes, ki imandari se koi kaam karna ho, and he wants to finish the license raj, yes, finish the license raj totally, so whatever is remaining of the license raj he wants to finish, yes, Rajiv ji, agar koi imandari se apna kaam karna chahta ho to usme license ki kya zarurat hai, license और इस प्योरली खाद्य पदार्थ में ये किसान पैदा करता है और ये लोगों के घरों तक जाता है, इसमें तो लाइसेंस की आवश्यकता ही नहीं है जी। लेकिन उसके बावजूद है इनके पास, उनके बावजूद इनको लाइसेंस महानगर पालिका ने 50 साल पहले दिया हुआ है और तीसरी पीढ़ी चल रही है, उसके बावजूद कार्रवाई हो रही है और अत्याचार हो रहा है, ये दुर्भाग्य है। और सेकेंड थिंग मैं आपको इसमें बता दूं कि इनका जो काम धंधा है जी, ये शुद्ध है, सुबह खेत से आता है, यहाँ के लोगों को देता है ट्रेडिंग और तुरंत लोग लाइन लगा के माल खरीदते हैं। और एक जैसे 70 रुपए का कांदा है, यहाँ पे 70 रुपए में बेचारे के कितने बचते होंगे। अरे भैया, ओ भैया, और 70 रुपए के कांदे में तुम्हारा कितना बचता है? 5 रुपया के 2 रुपया 70 रुपए के कांदे में आजकल कांदा बिकता है कि नहीं? बिकता है कि नहीं? कांदा कितना कम बिकता है? एक 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 दिन में कितना किलो बेचते हो? एक दिन में 200 किलो। हाँ, 200 किलो बेचते हो एक दिन में? तो 1000 रुपए बनता है 200 पे। But which is terrible? Which is terrible? Sir, world over. आप ये सोचिए। और एक चीज आप सुनिए, उनकी मेहनत। आप 5 रुपया जो गिन रहे हैं ना, सुबह 4 बजे उठते हैं, सब्जी लाते हैं, बाद में उसको धोते हैं, करते हैं, फिर दोपहर को लेके बैठते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि भारत में आपको व्यवसाय को बढ़ावा देना है। बिल्कुल, अपने व्यापार को बढ़ावा देना है। आखिरकार अमेरिका इतना बड़ा देश कैसे बना? क्योंकि छोटे छोटे गैराज में लोगों ने अपना अपना व्यवसाय शुरू किया, इसलिए जाकर के बड़ा बना। आज अगर आप व्यवसाय बंद कर देंगे तो क्या सिर्फ सरकारी नौकरी के ऊपर लोग बैठेंगे? आज आपने पटेल एजिटेशन शुरू कर दिया गुजरात में, क्योंकि गुजरात की इकोनॉमी थोड़ी नीचे गई है। आज लोगों को पिंच हो रहा है कि भाई हमारा व्यवसाय कम हो गया है, व्यापार कम हो गया है, इसलिए लोग बाहर आ रहे हैं। आखिरकार सरकारी नौकरी में कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? नहीं मिल सकता। ये जो चल रहा है गवर्नमेंट जॉब कर करके कितना करेगी? गवर्नमेंट का काम है लाइसेंसिंग एंड सुपरविजन, मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट धंधा नहीं कर सकती जी, गवर्नमेंट हर फैसिलिटी। लेकिन गवर्नमेंट, लेकिन ये जो चल रहा है जी, ये हैवी करप्शन, ओवर करप्शन, क्योंकि डेवलपरों से इलेक्शन में जो पैसा लिया, अब उनको रीपेक करने के लिए जहां जहां पे मौका मिल रहा है, फडणवीस कुछ भी बोल दे तो क्या फडणवीस के ध्यान में नहीं आता कि अत्याचार? अजय मेहता को 2 मिनट में अपने ऑफिस में बुला के बोल नहीं सकते एक्शन बंद, लेकिन वो बोलते एक और एक्शन चालू रहता है। Most important thing, sir. Yes, yes. The state is not concerned. Or Amish, the state, always made. The state Amish is not concerned. That we don't know. That I know. The state. That we don't know. No, the state is. Well, let's be very clear. Mr. Amit Shah is the president of the Bharatiya Janata Party. He is not an official of the Maharashtra government. So we cannot comment on Mr. Amit Shah. What I can. But चाय वाले के बारे में पूरे. But what I. लेकिन. और फेरी वालों पे अत्याचार, इसमें बोल नहीं सकते. आप बोल सकते हैं. मैं नहीं बोल सकता. चाय वाले को जो गली-गली में बेगर किया जा रहा है,
वो बहुत अरे हर एक चाय वाला जो टेपड़ी वाली चाय होता है बेचारी बॉम्बे की उसको हर रोज उठा करके मार मार के अंदर डाल देते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? और आप खुद चाय वाले थे, इलेक्शन के पहले चाय का सब लगाते थे हर जगह इलेक्शन में, यहाँ चाय की दुकान वहाँ 50 जन मिलकर चाय पी रहे, मोदी चाय मोदी चाय। अब क्या हो गया? मोदी चाय, अब बिल्डर चाय हो गया, बिल्डर चाय, बिल्डर चाय, नमो चाय, नरेंद्र मोदी नमो चाय। अब क्या हो गया? इन एवरी कंट्री यू हैव टू कोएग्जिस्ट, द मॉल्स हैव टू कोएग्जिस्ट, आपको फेरी वाले भी रहना पड़ेगा, मॉल्स भी रहना पड़ेगा, बोथ हैव टू कोएग्जिस्ट। नो नो, बट इट हैज टू बी एब्सोल्युटली द एंटायर डेवलपमेंट हैज टू बी होलिस्टिक। यस, यू कैन नॉट हैव डेवलपमेंट ओनली ऑन वन साइड, वन साइड, वन साइड। यस, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच यू दैट इज नॉट डेवलपमेंट, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज नॉट डेवलपमेंट, एंड द इकॉनमी विल कोलैप्स इफ यू ड्राइव अवे द पुअर। आप सोचो सो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टू चाइना राइट नाउ, एग्जैक्टली 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 व्हाट इज हैपनिंग। चाइना बर्बाद क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ चाइना ने और करप्शन किया। आज क्या बोल रहा है? इंडिया में भंगार का गोडाउन करना चाहता है, और अपने इंडियन गवर्नमेंट ने मूर्खता जो की इंपोर्ट रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो हमारा प्रोडक्शन है वो हमारा बंद हो रहा है और चाइना का हम इंपोर्ट करते जा रहे हैं। जी, ये तो दूसरी बात है, इंक्लूडिंग चाइनीज राइस, एज यू सेड, बोथ हैज टू को, द रिच एंड पुअर, प्लास्टिक राइस, प्लास्टिक राइस, द रिच एंड पुअर हैज टू को एग्जिस्ट। आप फेरी वालों को जो मुंबई के जान है उसको हटा नहीं सकते, सब ठीक है भाई, ठीक है। और जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है गली गली, मुंबई के हर शहर, मुंबई के हर गली में जिस प्रकार एट्रोसिटीज आर बीइंग कमिटेड ऑन द पुअर हॉकर्स, इट्स अ मैटर ऑफ द कंसर्न, मैटर ऑफ कंसर्न विद द स्टेट हैज टू इमीडिएटली एक्ट ऑन। जैसे आपने कहा कि नसीम खान और पूरे हॉकी सीएम से मिले थे, उसके बाद हॉकर्स का कहना था कि और अत्याचार होने लगा उन पर, और अत्याचार होने, आई रिमेम्बर इफ ही दे टॉकिंग टू यू हॉकर्स, जिस प्रकार से आपको बोलना है कि नसीम खान और पूरे फेरी वाले जब सीएम से मिले जी, बीएमसी कमिश्नर तभी मिले नहीं थे फोन पर जी, बाहर निकलने के बाद रेड पे रेड और पुलिस एट्रोसिटीज, अत्याचार और होने लगे थे। पार्टी हम लोग लगाते हैं जी, इसको पलटी मार देते हैं जी, और बोलते हैं कि नहीं लगाने का जी, इतना बड़ा, अरे कैसे दिया नींबू, ये कैसे दिया नींबू, 10 का 5 है, 10 का 6 जी, और ये थोड़ी थोड़ी पार्टी, ये कितने का? 10 का 4, 10 का 4, 2.5 रुपए का, 2.5 रुपए का एक नींबू, चलिए 10 का 6, चलो वो छोटा वाला नींबू 10 का 6 हो गया, चलिए भैया 10 का 4 है, 2.5 रुपए का। इन्होंने एक चीज बोला आपको जी, अगर म्युनिसिपैलिटी का गाड़ी आता है इसको उल्टा उल्टा, अगर ये पूरे नींबू डॉबल्सन, आई डोंट थिंक दिस कैन हैपन इन एनी सिविलाइज कंट्री। चोरी करेगा धक्का डालेंगे सर। राजेश जी, राजेश जी, राजेश जी, यहाँ पर दिनेश जी कहाँ हैं? दिनेश जी, दिनेश जी इधर आइए। मैं आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ कि भाई अगर कोई रेड भी करा, भाई साहब आप थोड़े से लंबे हैं, जरा आप इस तरफ हो जाएं, क्योंकि आप फिर क्या है कि स्क्रीन पे कोई और नहीं दिखेगा, सिर्फ आपकी आपका सर दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है? अरे बेटा वो जरा पानी है वहाँ पे, जरा ध्यान से। चलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि चलिए रेड कर रहे हैं आप, मान लीजिए गैर कानूनी, मान लीजिए वैसे गैर कानूनी नहीं है और आपके पास कोई हक नहीं है रेड करने का, लेकिन आप किसी का सामान उल्टा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अत्याचार, मैंने पहले ही बताया, और ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट, अभी तो हाई कोर्ट ने बोला है कि एक्शन जो इलीगल है, उसके बावजूद फडणवीस गवर्नमेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं। इसका मतलब क्या आप समझना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पे फडणवीस का अत्याचार मालूम पड़ रहा है लोगों को? सर, यू कांट ट्रीट फेरी वाले को डेवलपर के साथ मिलकर इतना दहशत फैला दो इनको, ये भाग जाए खुद, अच्छा भाकड़ा फेंक देते हैं।
बाकड़ा फेंकना सर इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग बट दैट इज रॉन्ग स्टेट कांट एनफोर्स द लॉ एंड व्हाट काइंड ऑफ लॉ इज ट्राइंग टू एनफोर्स व्हाट लॉ सर बोलो व्हिच लॉ प्रिवेंट्स अ पुअर पर्सन फ्रॉम कंडक्टिंग हिज ओन बिजनेस हम पब्लिक सेवा कर रहे हैं जी कुछ बोलना चाह रहे हैं बोलिए बोलिए आप इधर आए हैं कुछ बोलना चाह रहे हैं बोलिए 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 जिस प्रकार से फेरी वाला दिस इज वी हैव हर्ड अबाउट आप दिनेश सिंह जी आप बताइए क्या करना चाहिए अभी देखिए एक वर्ड सुना था मैंने भूमि अधिग्रहण में सोशल इंपैक्ट जी अब जैसे ये इनकी पार्टियां उठा के फेंक दे रहे हैं वो सिर्फ एक आदमी का नुकसान नहीं है उसकी पूरी फैमिली उस पे टिकी हुई है सारे के सारे बेचारे परेशान होते हैं तो एक एक मिनट जरा पीछे हो जाइए प्लीज अदरवाइज वी विल स्टॉप शूटिंग जरा पीछे हो जाइए प्लीज प्लीज जो सोशल इम्पैक्ट हो रहा है जी एक एक आदमी के ऊपर पांच पांच जन आश्रित होंगे जी वो सारे के सारे परेशान हो रहे हैं जी तो कितने लोगों को बीएमसी परेशान करना यही बात नहीं है यही बात नहीं है दिनेश जी राजेश जी और यहाँ पर बाकी जितने भी जी हैं सब लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ आज की तारीख में अगर हॉकर्स का धंधा हो गया बंद मान लीजिए बंद हो गया इनके साथ साथ दस लोग हैं घर के घर परिवार वाले पांच के दस लोग हैं और उसके पीछे जहां से ये माल खरीदते हैं वहां पर 20-25 तो मतलब किसान का भी धंधा बंद हो गया मंडी वाले का भी धंधा बंद हो गया आखिरकार इस प्रकार के एक्शन से आप क्या कर रहे हैं आप बर्बाद करना चाह रहे हैं सबको बर्बाद नहीं क्या करना चाह रहे हैं आप बर्बाद नहीं समाज में असंतोष होगा और सब अपने हाथ में तलवार और हथियार लेके लूटमारी चालू करना पड़ेगा लेकिन दूसरा कोई मार्ग ही नहीं रहेगा मैं एडवाइस करूंगा मैं सलाह दूंगा ऐसा ना करें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और वो टोटली फेरी वालों के साथ हैं सिंपल बात है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द सबके साथ न्याय होगा और भले अजय मेहता जी हों या कोई और हों सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है नहीं नहीं उच्चतम न्यायालय के ऊपर कोई नहीं है जब उच्चतम न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है ये तो कंडेम मानता किधर है आज न्यायालय के निर्णय है निर्णय के बावजूद मुझे नहीं लगता बावजूद कार्रवाई हो रही है प्रदीप जी प्रदीप जी एक मिनट मैं कुछ और बोल रहा हूँ प्रदीप जी मैं कुछ और बोल रहा हूँ ये दर्शकों के लिए है मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी को इसके बारे में जानकारी भी है मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे नहीं लगता मालूम होना चाहिए ना वो झूठ बोल पूरे चुनाव में तो चाय बेचे एक मिनट संभाल है क्या बोलो पहला आई थिंक चुनाव में बताते थे कि रेलवे स्टेशन पे चाय बेच रहे यार वो फेरी का ही धंधा था कोई लाइसेंस ही नहीं था उसके बाद में बताया कि अहमदाबाद में बेचते थे फिर बताया कि अपने गांव में ये करते थे पता नहीं कि हिंदुस्तान के फेरी वाले और खास करके मुंबई के फेरी वालों पे इतना अत्याचार हो रहा है प्रदीप जी एक चीज बोला सर बहुत महत्वपूर्ण चीज है आज के तारीख में पूरे महाराष्ट्र में बरसात का प्रॉब्लम है देयर इज नो रेन्स विदर्भ मराठवाड़ा और वेस्टर्न पश्चिम महाराष्ट्र में पानी जा ही नहीं सकता बिकॉज इरिगेशन प्रोजेक्ट पूरा फेल हुआ सब लोग पैसा खा गया सब पार्टी मिलकर दैट इज कांग्रेस एंड एनसीपी एवरीबॉडी विधान परिषद में एक मिनट 15 साल से भाई सुने ना विधान जो बीजेपी के एमएलसी ठेकेदार है उसके ओके बीजेपी ऑफिशियल एमएलसी उसके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीड कांग्रेस एनसीपी बीजेपी शिवसेना सब लोगों ने पैसा खाया इरिगेशन स्कैम में सात साल के विदर्भ के किसान को पानी नहीं मिलने वाला है अगर आप ऑनेस्टी से आज प्रोजेक्ट शुरू करें तो मिनिमम 7 साल लगेंगे और सर सीएम खुद कर रहा है कि 80% जो लैंड है वो ड्राई लैंड है तो आप पूरा इकोनॉमिक सिनेरियो देखें राजेश जी कुछ नहीं हो रहा इकोनॉमी इज डाउन पूरा वर्ल्ड में इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाए मार्केट्स हैव क्रैश्ड एवरीथिंग तो
नो जॉब्स और गवर्नमेंट में जॉब्स ही नहीं है। जैसे एयर इंडिया का आप देखो रिक्रूटमेंट सब बंद है, कोई भी पब्लिक एंटरप्राइज देखो रिक्रूटमेंट इज क्लोज फॉर 10 इयर्स। अरे BHEL इज वर्किंग एट 30% ऑफ इट्स कैपेसिटी, व्हाट आर यू टॉकिंग? सो देयर इज नो जॉब्स, देयर इज नथिंग, इकॉनमी इज डाउन, द कंट्री इज सफरिंग, देयर इज नो पॉलिसी। एब्सोल्युटली ऐसे टाइम पे कुछ लोग व्यवसाय अपना खुद करना चाहते हैं, मतलब इकॉनमी को बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं और उनके उनके खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं, आप उसको उठा उठा के पटक रहे हो इनह्यूमन तरीके से। ये अत्याचार है, जितने फैशन स्ट्रीट के हॉकर्स आपको बोले कि पूरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारा पूरा इफेक्टेड है। अरे भाई धारावी में, नागपाड़ा में, मोहम्मद अली रोड पे, अपने इधर गोवंडी में, हर जगह पे, भिवंडी में, हर जगह पे छोटे छोटे लूम है, उन बेचारों के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आते हैं जो आखिर में फैशन स्ट्रीट में बिकते हैं। अब अगर आप फैशन स्ट्रीट बंद कर देंगे तो वो सारे लूम भी बंद हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? दिस इज द बिगेस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड मोदी हैज आइडेंटिफाइड कि जब तक छोटे छोटे उद्योग नहीं चलेगा देश नहीं चलेगा, जी ये उनका कहना है। और ये क्या हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है, दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट मिस्टर मोदी हिमसेल्फ इज प्रीचिंग। कहने का मतलब ये, अजय मेहता जी आपके लिए आदरणीय, आदरणीय अजय मेहता जी, आदरणीय अजय मेहता जी, ये आपके लिए, मैं आपके पास आता हूं एक मिनट के बाद। आदरणीय अजय मेहता जी, आप BMC के कमिश्नर हैं, आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी ने बोला उसके खिलाफ जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके खिलाफ जा रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बोला उसके खिलाफ जा रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए, कोर्ट की अवमानना आप कर रहे हैं, अपनी सरकार की अवमानना आप कर रहे हैं, यहाँ तक के उच्चतम न्यायालय की भी अवमानना आप कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। राजेश जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, मैं तो यही आता हूँ आपके पास, एक मिनट। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे और अत्याचार रोके और इतना पाप नहीं करे, इतना पाप नहीं करे। कांग्रेस कब कब भगवान के को एप्लीकेशन भेजने लगी? आप मोर्चा कब लेके जा रहे हैं अजय मेहता जी के पास? आप ये बताइए, कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ रही है, अजय मेहता के पास घेराव करने के लिए मोर्चा कब लेके जा रहे हो? अजय मेहता के खिलाफ हमेशा मोर्चा शुरू है और जहां तक मेरे जाने की बात है, कब करेंगे? मुंबई कांग्रेस की मीटिंग में अपने गुरुदास कमल से बात करके उसका निर्णय, हमें उस विषय में कब बताएंगे? हम आपको डेट दीजिए, तारीख दीजिए, डेट बात करके, डेट आज रात तक बात करके। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, जोर से बोलो। देखो साहब, जब ये BJP का जब कमल फूल एक साल ये एडवर्टाइज देने के बाद सब लोग ने उसको चुनके दिया, अच्छे दिन आएंगे बुरे, अच्छे दिन आएंगे करके, आज दाल 180 रुपया, कांदा 80 रुपया, 150 है यार, 50 अच्छा 180 कहाँ से हो गई यार? चलो जो है सो है। प्रदीप जी आप बताइए, जो लगता है कि कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है जी, ओके, जिम्मेदारी कांग्रेस पे है बिकॉज एज अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन इट हैज टू अटैक। और जो गरीब लोग के पेट पे जो लात मार दिया जा रहा है, हॉकर्स, फेरी वाले मुंबई के इंटीग्रल पार्ट है और फेरी वाले राजेश जी, आपको इस चीज को पूरे मुहिम बनाना पड़ेगा मुंबई के। दिनेश जी आप बताएं, होने वाला दिनेश जी आप केबल इंडस्ट्री से, याद है कि नहीं आपको? आज की तारीख में केबल इंडस्ट्री, एक मिनट भैया, एक मिनट यार प्लीज, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी आप सब लोगों की, सबकी बात सुन चुका हूँ, हर एक की बात सुनूंगा, सिर्फ अकेले एक ही आदमी नहीं बोलेगा ना। आप मुझे ये बताइए, जरा पीछे हो जाइए इसके, आप मैनुअल के पीछे हो जाइए, चलिए पीछे हो जाइए। दिनेश जी, राजेश शर्मा जी, ये सुनने वाली बात है और जितने यहाँ पे हॉकर्स खड़े हैं सब सबके सामने बोल रहा हूँ मैं। राजेश जी, ये दिनेश सिंह जी हैं, दिनेश सिंह जी आज की तारीख में मुंबई के, जहाँ तक MSOs का सवाल है, जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटर्स का सवाल है, केबल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, उसमें से सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक है। ठीक है जनाब, ये केबल इंडस्ट्री कैसे शुरू हुई थी? बस ऐसे ही पत्रे, एक तार लगी उसको खींचते हुए हम लोग पत्रे पत्रे पे चढ़ के गए
और जो बेचारे जिनको कुछ नॉलेज नहीं था आज वो टेक्नीशियन बने बन रहे, टेक्नीशियन बनाए, इंजीनियर बनाए उनको हम लोगों ने जी। तो और अगर मान लीजिए उस वक्त सरकार इस इंडस्ट्री को बंद कर देती तो आज क्या हाल होता? किसी के घर में केबल टीवी नहीं होता, नहीं होता। तो यही हॉकर्स का सवाल है, जैसे इस्तांबुल में, जैसे एम्स्टरडेम में, जैसे हर एक शहर में हॉकर्स की अलग मार्केट होती है, उस प्रकार इनको सबको सुविधा देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बल्कि सरकार को जितने भी यहाँ फेरी वाले हैं इन सबको, हॉकर्स तो है ही, सबको सब्सिडी देनी चाहिए, मेरा ये मानना है, क्या ताकि अर्थव्यवस्था और बढ़े। आखिरकार नीचे से ऊपर प्रोग्रेस होगी, ऊपर से नीचे नहीं होगी। लेट्स बी वेरी क्लियर, ऊपर से नीचे देख चुके हैं हम लोग, जैसे केबल इंडस्ट्री नीचे से ऊपर बढ़ी। टुडे इट इज वर्थ हाउ मेनी, $100 billion ऑल ओवर द कंट्री, अबाउट $100 billion, राइट? सो आर द हॉकर्स। आपको इन सबको बढ़ावा देना होगा, अगर आप चाहते हैं कि देश प्रगति करे, प्रोग्रेस करे, तो आपको बढ़ावा देना होगा। और अगर आप नहीं भी देंगे, वैसे भी इनको, इनका हक जो है वो कोर्ट देने वाला है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। लेट्स बी वेरी क्लियर, कांग्रेस सरकार ही चाहिए, ये बीजेपी का काम नहीं है, और इसके लिए बीजेपी ने खुद राजीनामा बोलिए जोर से बोलिए। अभी मोदी का बारे में मैं बोल रही हूँ, लेकिन महिला बोल के ठीक ठाक बोलिए, ठीक ठाक बोलेंगे, ठीक ठाक बोलिए। मोदी ने जो अच्छा दिन आएंगे ये बोल के टीवी पे दिखा के सब करके उसने पब्लिसिटी किया और वोट ले लिया, लेकिन सबका वोट मिला होगा, लेकिन अपना बीबी का तो वोट नहीं मिला, क्यों? उसको मालूम ही नहीं कि अपना परिवार क्या है, तो जनते का परिवार का कैसा हुआ अच्छा करेगा? हैंग ऑन अ मिनट, ये लोगों की भावना है, लेकिन ये हमें मालूम नहीं है कि मिसेस मोदी ने असल में वोट किसको दिया, ये कॉन्फिडेंशियल है, ये मालूम नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, प्रदीप जी आखिर में द बिगेस्ट, बट दिस इज अ फीलिंग, फेरी वाले, फेरी वाले पूरे देश, मुंबई का एक हिस्सा है, इट्स अ हार्ट ऑफ मुंबई, आप बिना फेरी वालों को साथ में लिए मुंबई चला, मुंबई कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट हॉकर्स एंड द फास्टर द गवर्नमेंट एंड द वे अजय मेहता इज बिहेविंग, जैसे इनफैक्ट दैट अलका, इट्स कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट, एंड दैट इज कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट। राजेश शर्मा जी, that is contempt of court. Condemn of court याने? Court की अवमानना है। Court की अवमानना है और court ने इनको जेल में डालना चाहिए। जेल में, क्योंकि ये court के आदेश के बाद भी कार्रवाई कर रहे, इसका मतलब इनके ऊपर कोई मतलब कंट्रोल ही नहीं है और court की कोई बात मानी नहीं है पार्लियामेंट। अरे भाई सब लोगों से पूछ रहा हूँ, एक मिनट, सब लोगों से पूछ रहा हूँ, सब लोग जवाब दें, एक मिनट, सब लोग जवाब दें, सब लोग और जोर से बोलेंगे, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए, यू हर्ड इट, दैट्स इट, that's it, that's all we've got for you from Jogeshwari station. The fact remains that as far as the hawkers are concerned, they have a right to exist, they have a right to their trade, they have a right to their business like everybody else. Congress party, like everybody else. This kind of call. Okay, one minute. एक मिनट. संजय निरुपम जिंदाबाद। हाँ वही ना है, बराबर है, कोर्ट में उन्होंने लड़ा है। वही वही संजय। You heard it. मुझे आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है। That's all that we've got for you on the RKB show on Metro Maharashtra TV from Jogeshwari Station. That's it. Keep watching Metro Maharashtra TV. That's it. Thank you. Thank you everybody. सबका बहुत 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 शुक्रिया। Thank you so much. Thank you. सोनिया गांधी। राहुल गांधी।
जिंदाबाद। Builders around here are concerned, yeah. As far as the municipality around here is concerned, उनके लिए this is a dumping ground. ये लोग जो हैं यहाँ पर 30 के 40 बरस से यहीं पर रह रहे हैं।